नमस्कार, मैं खुर्शीद खान राजू और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन। अब वक्त हो चला अपराध जगत की कुछ बड़ी खबरों का। सुल्तानपुर में बंधुआ थाना पुलिस टीम ने सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी करने वाले हरखी दौलतपुर निवासी रवि कुमार को गिरफ्तार करते हुए जेल रवाना किया। सुल्तानपुर पुलिस अधीक्षक सोमेन वर्मा के निर्देश पर सभी क्षेत्राधिकारी और थाना अध्यक्षों ने अपने अपने क्षेत्र के भीड़ भाड़ वाले इलाके चौराहे पर पैदल गश्त करते हुए जनता में सुरक्षा की भावना जागृत की। सुल्तानपुर मुख्य विकास अधिकारी अंकुर कौशिक की अध्यक्षता में जयसिंहपुर तहसील में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें अधिकारियों को जनता की शिकायतों का 100% निस्तारण करने का निर्देश दिया गया। अमेठी रामनगर की रहने वाली परवीर मानो पति इरशाद अहमद के हार्ट अटैक से हुई मौत के बाद अपने 4 बच्चों को लेकर बेघर दर दर भटक रही है। जेठ ने परवीन बानो को घर से प्रताड़ित कर बाहर निकाल दिया है, जिसकी शिकायत लेकर परवीन बानो संपूर्ण समाधान दिवस पहुंची। अब देखना ये होगा कि अमेठी पुलिस प्रशासन विधवा परवीन बानो को कब तक न्याय दिला पाता है। अमेठी में विकासखंड गौरीगंज में तैनात सफाई कर्मी राम अंजोर प्रजापति और कांता प्रसाद विकासखंड सागढ़ के अपने 7-8 अज्ञात साथियों के साथ जामो एडीओ पंचायत मनोज कुमार चौधरी के साथ गाली गलौज करते हुए गोली मारने की धमकी दी है, जिसकी शिकायत एडीओ पंचायत ने पुलिस प्रशासन से करते हुए जान माल की सुरक्षा की गुहार लगाई है। अमेठी में जामो थाना क्षेत्र के गुगुहिया मजरे चिल्हूटा में मामूली विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हो गई, जिसमें एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। अमेठी में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 2 निशुल्क LPG गैस सिलेंडर वितरण को लेकर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक हुई, जिसमें जिलाधिकारी ने सभी कार्ड धारकों को गैस एजेंसी वितरक से अपना आधार कार्ड सत्यापित कराने का निर्देश दिया है। अमेठी ड्रग इंस्पेक्टर कमलेश कुमार मिश्रा ने जगदीशपुर थाना टीम के साथ शिफा नर्सिंग होम और अजीजी मेडिकल स्टोर पर छापा मारते हुए 3,38,000 की अवैध दवाइयों को जब्त कर लिया है और 3 दवाइयों के नमूनों को जांच के लिए प्रयोगशाला भेज दिया है। ड्रग इंस्पेक्टर की इस कार्रवाई से अवैध मेडिकल स्टोर संचालकों में हड़कंप मचा हुआ है। अयोध्या के थाना गोसाईगंज क्षेत्र के महबूबगंज में 2022 में जमीन बैनामे के मामले में अदालत ने संज्ञान लेते हुए भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की, जिसमें एक भूमाफिया को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया और बाकी भूमाफिया मौके से फरार हो गए हैं। जौनपुर में थाना जलालपुर चौराहे के पास ऑटो ड्राइवरों ने संजय यादव पर गाली गलौज करते हुए अवैध स्टैंड वसूली का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया और साथ ही पुलिस प्रशासन पर ध्यान न देने का भी आरोप लगाया है। जौनपुर में चंदौक थाना पुलिस टीम ने आर्म्स एक्ट में वांछित अभियुक्त प्रेमनाथ सिंह उर्फ रिंटू को अवैध असलहे के साथ गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया है। जौनपुर के शाहगंज थाना कोतवाली इलाके में टप्पेबाजी करने वाले आरोपी मटरू बिंद ने थाने के बाथरूम में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर पहुंची कई थानों के फोर्स और फॉरेंसिक टीम ने जांच पड़ताल शुरू करते हुए डेड बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जौनपुर में थाना लाइन बाजार इलाके के पचहटिया के रहने वाले विष्णु चौहान पर अज्ञात व्यक्तियों ने मारपीट करते हुए चाकू से हमला कर गंभीर चोट पहुंचाई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने विष्णु चौहान को इलाज के लिए ट्रामा सेंटर रेफर कराते हुए परिजनों की तहरीर पर कार्रवाई शुरू कर दी है। बरेली के सिरौली थाना क्षेत्र में नाबालिग किशोरी को भगा ले जाने के बाद भी आरोपी युवक की गिरफ्तारी नहीं हो सकी। आरोपी युवक पीड़ित परिवार को जान से मारने की धमकी देते हुए गांव से पलायन करने के लिए दबाव बना रहा है। रामपुर में समाजवादी पार्टी के महासचिव और पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान की रामपुर MP MLA कोर्ट में डूंगरपुर मामले में गवाह को धमकाने को लेकर कोर्ट में पेशी हुई है। रामपुर MP MLA कोर्ट ने डूंगरपुर मामले में वादी नन्हे सिंह को धमकाने के लिए शहर कोतवाली में दर्ज मुकदमे में सुनवाई करते हुए आजम खान सहित 6 लोगों के खिलाफ आरोप तय किए हैं। मेरठ के थाना रोटा के बाड़म गांव में दबंगों ने युवक के घर पर बुलडोजर चला दिया, जिससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई। परिजनों ने युवक का शव जिलाधिकारी कार्यालय ले जाकर प्रदर्शन करते हुए जिला प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। हमीरपुर मुख्यालय में गुटखा व्यापारी के घर और गोदाम पर केंद्रीय GST टीम ने छापा मारा, जहां पर व्यापारी ने गोदाम खोलकर चेक कराने के बजाय घर पर ताला लगाकर फरार हो गया। गोदाम पर गुटखे से भरी लोडर को पुलिस ने जब्त करते हुए कोतवाली पुलिस के हवाले कर दिया है। बहराइच में थाना कोतवाली कैसरगंज पुलिस टीम ने न्यायालय द्वारा जारी वारंटी अभियुक्त नासिर कमलेश किशुन और संतोषी को गिरफ्तार करते हुए न्यायालय के सामने पेश किया है। बहराइच में थाना प्यागपुर पुलिस टीम ने चोरी का खुलासा 24 घंटे के अंदर करते हुए अभियुक्त पूनम तिवारी टिल्लू मिश्रा को गिरफ्तार करते हुए उनके पास से चोरी का 100% सामान बरामद कर लिया है। आपको हमारी खबरें कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इन खबरों को आप यूट्यूब पर देख रहे, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक के जरिए हमसे जुड़े तो पेज को लाइक करके फॉलो करना बिल्कुल न भूलें। नमस्कार। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।